हेलो ऑसम पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को ठोस आहार यानी कि सॉलिड्स हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से करिए और बेल बटन को ज़रूर से हिट करें जिससे हर नए की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी मॉमीज़ के दिमाग में चलते रहता है कि बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करने की सही एज क्या है। क्योंकि क्या होता है कि हर डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंगली बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करवाने की सेरेमनी होती है, जिसे हम अन्नप्राशन बोलते हैं, वो डिफरेंट एज पे होती है। और लोगों को क्या होता है कि उस सेरेमनी के बाद वो बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। और कई कास्ट में ये 5 महीने पे होती है, कई कास्ट में ये 6 महीने पे होती है। तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअल एज क्या है बच्चे को अन्न यानी कि जो ठोस आहार है वो खिलाने की। तो अगर हम WHO की गाइडलाइन समझें और डॉक्टर्स का बात समझें अगर हम, तो ये है 6 महीने। अगर बच्चा 6 महीने में एंटर कर जाता है तो उसके बाद हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जेन्युइन रीजंस भी है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी कास्ट में 6 महीने से पहले है अन्नप्राशन की सेरेमनी होना, तो अब क्या कर सकते हो कि अन्नप्राशन पे आप बच्चे को थोड़ा खाना शगुन के लिए बस खिला दो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे से आप उसे सॉलिड स्टार्ट कर दो, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस और डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो जेन्युइन रीजंस होंगे ही। तो प्लीज़ मैं कभी भी जो रिचुअल्स है उसके अगेंस्ट जाने में नहीं मानती हूँ। रिचुअल्स को भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस डॉक्टर्स है उनकी बातों को भी बेबी के केस में समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को हम साथ में के चल सकते हैं। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो हमें क्या है कि बच्चे को 5 महीने पे हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उनकी अन्नप्राशन की जो सेरेमनी होती है वो 5 महीने पे होती है। तो मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये 6 महीने के बाद ही सही रहता है। तो हमने क्या किया था कि 6 महीने पे डॉक्टर ने बोला था, इसलिए हमने क्या किया था कि 5th मंथ में एज पर हमारे रिचुअल 5 महीने पर देना ज़रूरी था। तो हमने क्या किया था, 5 महीने के लास्ट डे पे जब रियांश ऑलमोस्ट 6th मंथ में एंटर करने वाला था तब हमने ये सेरेमनी की थी। तो इस हिसाब से आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई करके कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन जो WHO और डॉक्टर की गाइडलाइंस है उसे भी ज़रूर से फॉलो करिए। अब ऐसा क्यों है तो वो हम समझते हैं कि उसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे पहला रीज़न अगर मैं बोलूं कि 6 महीने पर बच्चे को क्यों हमें सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जैसे कि हमको पता ही है कि बच्चे के जो इनर ऑर्गन है वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो बच्चे का जो पेट है वो अभी इतना मैच्योर ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वो दूध पे ही था, तो इतना सॉलिड वो डाइजेस्ट कर पाए, उतना स्टमक उसका मैच्योर हो जाए फिर ही उसे खाना देना चाहिए हमें। और अराउंड 6 महीने तक बच्चा इतना स्टेबल ही नहीं होता है कि हम उसे सॉलिड खिला दें। भले हम उसे पतली क्वांटिटी में खिला रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्हें अर्ली एज में खाना दे दिया जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, ट्राई करें कि 6 महीने से पहले, जब तक बच्चे का स्टमक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, तब तक आप प्लीज़ बच्चे को सॉलिड स्टार्ट ना करें। दूसरा जो मेन जो मुझे रीज़न लग रहा है वो ये है कि जैसे कि हम सबको पता ही है कि बच्चे के लिए 1 साल तक ब्रेस्टफीड कितना ज़रूरी है, वो उसके मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ को बूस्ट करता है। बच्चे के लिए ज़रूरी सारे मिनरल्स, विटामिंस, एंटीबॉडीज, सब कुछ बच्चे को ब्रेस्ट फीड से ही मिलता है। अगर ऐसे में हम सॉलिड स्टार्ट कर देंगे तो जो उसको ब्रेस्ट फीड लेने की जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो चीज़ बच्चे के लिए इतनी ज़रूरी है उसकी क्वांटिटी को हमें क्यों कम करना है। तो हो सके तो 6 महीने तक आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूसिव, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, वो दोगे तो बच्चे का जो ग्रोथ है मेंटल और फिजिकल वो एकदम सही से होगा। तो एक रीज़न ये भी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड लेके उसका ग्रोथ सही से हो पाए, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने तक एटलीस्ट आप बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही दें और ना कि और कुछ दें। तीसरी जो चीज़ है वो है कि
फूड से बच्चे को ज़्यादातर एलर्जीज हो जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ एकदम नया है। अभी तक वो सिर्फ दूध पे ही था, अब सब कुछ उसके लिए नया है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर फूड बच्चे के लिए नए है तो उसको एलर्जीज होने के वैसे भी चांसेस है, बट क्योंकि आपने उसे अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो जो सिंपल चीज़ें हैं जिससे किसी को एलर्जी नहीं होती है उससे भी आपके बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके जो इनर ऑर्गन्स है वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो जो नॉर्मल दाल चावल है उसकी भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है, तो एक रीज़न ये भी है। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे, हम सभी को पता है कि जनरली 5 महीने के बाद बैठना सीखते हैं, गर्दन संभालना सीखते हैं, तो 5 महीने के बाद ही अगर बच्चा बैठना सीख रहा है तो उसके बाद ही हमें उसे सॉलिड देना चाहिए, क्योंकि तो ही वो अगर ठीक पोजीशन में बैठ पा रहा है तो वो गले से कुछ भी निगल पाएगा। फ्लैट सोए बच्चे को आप सॉलिड खिलाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको खाना चोक हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि इसलिए भी बच्चे को 6 महीने से पहले हमें खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैठ नहीं पा रहा है, गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, तो चोकिंग की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक बच्चा बैठना नहीं सीखता है तब तक भी हमें उसे सॉलिड देना नहीं चाहिए। और जो लास्ट चीज़ मुझे समझ में आती है वो है इंटरेस्ट की। बच्चा अराउंड 5-5.5 महीने के होते हैं फिर ही उन्हें सब चीज़ों की समझ आती है, क्योंकि उसके बाद वो गर्दन संभालता सीखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, खाने को ऑब्जर्व करते हैं, हमें खुद अपनी चाह दिखाते हैं, खाने की तरफ साइंस देते हैं हमें खुद से, तो उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, सब चीज़ें मुँह से निकाल दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसका उस खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप चीज़ों को नोटिस करें, भले कोई भी गाइडलाइंस कुछ भी बोल रही है लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने खुद के बच्चे को फॉलो करो कि वो कब साइन दे रहा है। भले मैं आपको 6 महीने बोल रही हूँ लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने पे भी साइन नहीं दे रहा है तो आप 7वें महीने तक भी वेट कर सकते हो, बच्चा खुद से आपको साइन देगा, वो खाना देखेगा तो खुद से आपको साइन देगा कि उसको खाना है। तो इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब बच्चे नॉर्मली समझना ही 5.5 महीने के बाद करते हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि बच्चे का खाने की तरफ खुद का इंटरेस्ट दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा इतनी बड़ी जो उसकी फूड की जर्नी है वो कभी भी एंजॉय ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उस चीज़ की तरफ मतलब उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे का इंटरेस्ट का भी आप वेट करें, और ये सब चीज़ें नॉर्मली 5.5 महीने के बाद ही होती है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत बड़ी जर्नी है जो बच्चे को लास्ट तक लेके जाएगी, तो चाहे मैं आपको कुछ भी बोलूँ, चाहे गाइडलाइन कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिए सॉलिड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्या होता है हर कोई बेबी अलग है, उसका ग्रोथ चार्ट अलग है, और क्या होता है जो प्रीमैच्योर बेबी है उनमें सब चीज़ें अलग होती है, प्लस कोई बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, कई बेबीज़ ब्रेस्ट फीड ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं, कई बेबीज़ होते हैं जो ब्रेस्ट फीड लेके फॉर्मूला मिल्क लेके भी उनका पेट नहीं भरता है, और कई मॉम्स का खुद का ब्रेस्ट फीड ही इतना नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर थोड़ी जल्दी एज में सॉलिड स्टार्ट करने की एडवाइस करते हैं, तो आप अपने बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर ही बच्चे को सॉलिड खिलाना स्टार्ट करें। तो वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन मुझे लगा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इन डिटेल जितना हो पाया उतना कवर किया है। फिर भी आपको कुछ क्वेरीज लग रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।